वेलकम बैक टू हिस्ट्री इन्फो। आज हम आए हैं अफजल खान का मकबरा यानी कि अफजल खान सीनेटॉप देखने के लिए। ये शाहपुर गेट से दरगाह के रोड जो जालगिरी जाती है वहाँ से लेफ्ट टर्न इटगी पेट्रोल पंप के रोड के बीच में पड़ता है। ये चिनगी बादशाह दरगाह और ख्वाजा मीन दरगाह से काफ़ी करीब है। अफजल खान ये मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे और जो भी कंस्ट्रक्शन हुए है बीजापुर में जैसे कि राम अली टैंक दरगाह ख्वाजा मीन दरगाह सभी दरगाहें वगैरह ये अफजल खान के अंदर कंस्ट्रक्शन में ही हुए हैं। अफजल खान ये 1653 में इस मस्जिद की और इस मकबरे की तामीर की कंप्लीट हो गई। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं एक टू स्टोरेज मस्जिद है और सामने मकबरा है। मस्जिद का काम 1653 में कंप्लीट हो गया। इस मस्जिद में नीचे आदमियों के लिए और ऊपर औरतों को नमाज पढ़ने का इंतज़ाम जैसा बनाया गया। सामने का मकबरा थोड़ा अभी अनफिनिश्ड है जैसे कि आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। क्यों अनफिनिश्ड है? क्योंकि उस ज़माने में अफजल खान के ज़माने में उनको प्रतापगढ़ जाना पड़ा। प्रतापगढ़ क्योंकि अली आदिल शाह का आदेश था इसलिए उनको उधर जाना पड़ा। तो वहाँ पे उनकी प्रतापगढ़ में मृत्यु हो गई तो उनको वहाँ से वापस लाया नहीं गया। तो इसलिए ये कब्रगाह जो उनका कब्रगाह का जगह था वो खाली है। अब हम अंदर जाएंगे, बाकी का आपको अंदर हम बताएंगे। ये देखिए अब हम अंदर जा रहे हैं। ये है इसका मेन डोर, काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ पे उनका कब्र की जगह है और दो कब्रें मौजूद हैं औरतों की। ये देखिए उनका इंतकाल प्रतापगढ़ के एक स्लोप में हो गया इसलिए उनको बीजापुर वापस ला नहीं सके। तो ये खाली रह गया जगह, काफ़ी खूबसूरत है, कमाने वगैरह, गुड आर्किटेक्ट आदिलशाही, वाह खूबसूरत। हर एक कमान पे अलग अलग सा डिज़ाइन, कुछ लिखावटें हैं यहाँ पे मौजूद। देखो यहाँ पे जो सीलिंग है जस्ट ऊपर कब्र के, काफ़ी खूबसूरत है। और चारों कॉर्नर में बैठने के लिए ऐसा इंतज़ाम किया गया। ये देखिए वो पीछे की जो मस्जिद है उसका व्यू यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए अब हम जा रहे हैं पीछे मस्जिद देखने के लिए। यहाँ पे भी एक दो तीन कब्रगाह की जगह है और एक कब्र भी मौजूद है। अब हम जा रहे हैं मस्जिद देखने के लिए। ये देखिए मस्जिद के सामने, जैसे कि हर मस्जिद के सामने एक वजूखाना रहता है, यहाँ पे भी वजूखाना है। बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। इसको अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम भी है जहाँ से पानी आया करता था रामलिंग टैंक से, और अफजल खान का जो साठ कब्र है वहाँ से भी यहाँ पे पानी कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। देखिए मस्जिद है, यहाँ का तो गेट अभी फिल वक्त बंद है, हम अंदर जा नहीं सकते, फिर भी हम आगे से थोड़ा कोशिश करेंगे कि अंदर का व्यू देख सकें। देखिए काफी खूबसूरत मस्जिद है, मेंबर भी है यहाँ पे। मस्जिद के सामने से
मकबरे का व्यू, खूबसूरत है। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है दोनों साइड से, औरतों को ऊपर जाने के लिए मस्जिद में। हम आगे देखेंगे, दिखाता हूँ उसमें। ये देखिए वो मेंबर मस्जिद, और वो कॉर्नर में ऊपर जाने के लिए जगह। अफजल खान इस मस्जिद को और इस मकबरे को अपने हयाती में के दिनों में ही बनाया था, ताकि उनकी ये लास्ट आरामगाह हो सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे आपको ऐसे ही अनसुने अनदेखे चीज़ें बताने के लिए, इसको लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। यहाँ से बाहर का व्यू,